हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सर्किट एकेडमी। आई एम ज्वाला प्रसाद दुबे सर। मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूंगा। ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में समझाऊंगा, बेसिक फॉर्मूला के बारे में बताऊंगा और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री दो टर्म से मिलकर बना होता है। पहला होता है ट्रिग्नो और दूसरा होता है ज्योमेट्री। ट्रिग्नो मीन्स होता है ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक साइड एक एंगल 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री केवल और केवल 90 डिग्री के ट्रायंगल में अप्लाई किया जाता है। ज्योमेट्री मीन्स होता है कोऑर्डिनेट। ज्योमेट्री मीन्स होता है कोऑर्डिनेट। इसमें देखिए ए बी सी, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया हूँ, ट्रायंगल ए बी सी, जिसे मैं एंगल बी को 90 डिग्री बनाया हूँ। दैट मीन्स दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस बेस एंड परपेंडिकुलर, आई मीन ये देखिए, अगर कोई इंसान यहाँ पर है, यहाँ से इस ट्रायंगल को देखेगा तो जस्ट सामने जो ये नीचे वाला होता है साइड, इसको हम बेस बोलते हैं, जस्ट बगल वाले साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं एंड परपेंडिकुलर के सामने जो साइड है इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेनियस। देखिए हम इसको एक स्टोरी के थ्रू समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा समझिएगा, एक फैमिली है, इस फैमिली के टोटल 6 मेंबर होते हैं। कौन कौन से मेंबर होते हैं? फर्स्ट साइन थीटा, सेकेंड कॉस थीटा, थर्ड टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड लास्ट कॉट थीटा। टोटल 6 मेंबर होते हैं इस फैमिली के। फर्स्ट मेंबर का नाम साइन थीटा, सेकेंड का कॉस, थर्ड का टेन, कोसेक से कॉट। अब इस सीरीज में इसको आप याद करेंगे तो आपको आगे का फॉर्मूला समझने में बहुत आसानी होगी। एक बार रिपीट करते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट। अब सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। आपको पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये एक रेशियो है पीबीपी एचएचबी, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। देखिए इसमें जो हमारा जिसको हम साइन बोलते हैं, सेकेंड रेशियो को बोलते हैं कॉस एंड थर्ड को बोलते हैं टेन थीटा। इधर से रिपीट करेंगे, ये कहलाता है कोसेक थीटा, ये कहलाता है सेक थीटा एंड लास्ट ये कहलाता है कॉट थीटा। इन सबके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, सबके बीच में। जैसे एक फैमिली है, अगर उस फैमिली में 4 मेंबर है तो चारों मेंबर के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। किसी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन होता है, किसी के साथ थोड़ा कम, किसी के साथ एकदम बेकार रहता है। उसी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर ये भी समझेंगे, जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, इनका किसके किसके साथ क्या क्या रिलेशन है। तो हमारा जो टॉपिक है रेशियो, यहीं से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन के बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। साइन कॉस टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन कॉस टेन, यहां देखिएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन पी। कॉसेक सेक थीटा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन बी। कॉसेक सेक कॉट, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप यहां पर नोटिस करेंगे साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का जस्ट अपोजिट होता है सेक एंड लास्ट टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। यहीं से एक हमारी बेसिक फॉर्मूला निकल के आ गया है, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा। फर्स्ट देखते रहिएगा, सारा फॉर्मूला आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाएगा। सेकेंड कॉस थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन सेक, थर्ड
cosec theta is equal to 1 upon sin theta and fourth cot theta is equal to 1 upon tan theta and fifth tan theta is equal to 1 upon cot theta and last sixth sec theta. Sec theta means 1 upon cos theta. इसको बोलते हैं इनवर्स रेसिप्रोकल फॉर्मूला. क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल फॉर्मूला. इसमें तीन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तीन अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के रेसिप्रोकल होते हैं. जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक थीटा, जस्ट अपोजिट कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा. कॉट थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा और टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा. सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा. इसको बोलते हैं, ये जो टॉपिक पढ़ाया मैंने आपको ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है और ये जो बता रहा हूँ ये बेसिक फॉर्मूला के बारे में आपको बता रहा हूँ. आपको मैं पहले थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में इन्फॉर्म कर देता हूँ. ये हाइपोटेनियस ये बेस एंड ये परपेंडिकुलर. आपको सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है. हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. मैं यहीं से तीन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज के बारे में आपको समझा दूंगा कि ये आइडेंटिटीज क्या क्या होती है. पाइथागोरस थ्योरम क्या है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर वन. नाउ डिवाइड बोथ साइड बाय हाइपोटेनियस स्क्वायर. आई मीन दोनों तरफ आपको क्या करना है? हाइपोटेनियस स्क्वायर को डिवाइड करना है. एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर. मीन्स दिस इज कैंसिल. हियर वन इज इक्वल टू इसको हम पी अपॉन एच रेस्ट टू पावर टू भी लिख सकते हैं. सेकेंड बी अपॉन एच रेस्ट टू पावर टू लिख सकते हैं. मैंने अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बताया जिसमें मैंने अभी आपको बताया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच. इन दोनों फॉर्मेट को देखिए. पी अपॉन एच को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा. और बी अपॉन एच को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस थीटा. तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? वन इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. यहीं से हमारी सबसे पहली आइडेंटिटी जनरेट हो रही है. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन. ये जो आइडेंटिटी है ये आइडेंटिटी नाइन्थ टेंथ इलेवन ट्वेल्थ इनफैक्ट आगे